अगर फिनोमिना की बात करें तो फिनोमिना पूरी तरीके से चेंज होता है बट लॉजिकली अगर हम देखें तो स्पेलिंग में जरा सी मिस्टेक हमारा पूरा आंसर गलत कर सकते ठीक है थीके? तो आज का टॉपिक यही है, है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जिसके बारे में हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे वी विल बी डिस्कसिंग ऑल अबाउट द टर्मिनोलॉजीज जो कि इससे रिलेटेड होते हैं ठीक है थीके? तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये एक्चुअली में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है राइट तो रिफ़्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि डेविएशन ऑफ लाइट रेज फ्रॉम इट्स फाथ वेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट मीन्स कि मान लेते हैं ये एक ग्लास सरफेस है ठीक है ये एक ग्लास सरफेस है सबको पता है कि एटमॉस्फेयर में क्या होती है एयर होती है ठीक और ये एक ग्लास सरफेस है तो हमने क्या कहा है कि हमारी लाइट रे जो है वो यहाँ से कहीं से ट्रैवल करके आ रही है तो जब वो यहां पर क्या है हमारा एयर है और ये ग्लास है ठीक है तो ये क्या होगी कि ये लाइट रे जब यहाँ पर इंसिडेंट करके इसे क्रॉस करेगी तो ये थोड़ी या तो ज्यादा ऐसे बाहर की तरफ मूव हो जाएगी या थोड़ी अंदर की तरफ मूव हो जाएगी तो यही मूवमेंट जो होता है पाथ चेंज हो जाता है लाइट का तो इसी पूरे फिनमिना को हम क्या कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं ठीक है थीके? यहाँ पर आप देखो एक डायग्राम आपकी स्क्रीन पर विजिबल होगा एंड दैट डायग्राम इज वॉट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखो यहाँ से आपने देखिया कि ये एक आपका कोई सफेस है ठीक है यहाँ ray incident रे जो है वो आती है यहाँ पर टकराती है और ये देखो ये थोड़ा सा अंदर की तरफ ऐसे bend हो जा रही है ठीक है यहाँ से ये ऐसे आ रही है और यहाँ पे बेंड हो जा रही है तो यही बेंडिंग प्रोसेस क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है ठीक अब हम टर्मिनोलॉजीज की बात कर लेते हैं कि क्या क्या टर्मिनोलॉजीज होती है सो लाइक वी हैव सीन इन आर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट उसी तरीके की टर्मिनोलॉजी यहाँ पे भी यूज होती है ठीक है ये एक ऑब्जेक्ट है एक मीडियम है ठीक है यहाँ पर एयर हमारा मीडियम एज एक्ट कर रही है और यहाँ पर ये कोई मीडियम है ठीक ये इंसिडेंट रे यहाँ पर आके स्ट्राइक कर रही है और ये यहाँ पर अंदर रिफ्रेक्शन के थ्रू मुड़ जा रही है ठीक है इंटरफेस ऑफ टू मीडियम मतलब कि दो क्या है ये मीडियम्स हैं एक एयर यहाँ पर है और इसके नीचे का ये मीडियम कुछ दूसरा होगा ठीक और जैसा हमारे uh, में incident angle होता होता है है, तो वैसे incident angle और ठीक? उसी तरीके से इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे होती है ठीक और बीच में होता है एक नॉर्मल तो आई विश की डायग्राम बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा सो लेट्स मूव बैक टू आर टॉपिक कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ठीक है तो रिफ्लेक्शन का कॉज क्या हो सकता है आपसे अगर कोई पूछ रहा है कि रिफ्लेक्शन का कॉज क्या है तो आप बोलोगे कि स्पीड ऑफ लाइट मतलब कि डिफरेंट मीडिया में मतलब जैसे जैसे मीडियम चेंज होता है कि मतलब एयर से अगर वो ग्लास में जाएगी तो लाइट की स्पीड चेंज हो जाएगी ग्लास से अगर वाटर में आएगी तो उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी अगर वो वाटर से सी ओ टू में जाएगी तो उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी ठीक तो यही है कि लाइट की जो स्पीड है वो हर मीडियम में अलग अलग है तो इसी मीडियम में स्पीड चेंज होने की वजह से क्या होता है कि ये रिफ्रैक्शन का फिनोमिना अकर होता है जब लाइट दो मीडियम्स को क्रॉस करती है ठीक लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लाइक हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात की थी उसी तरीके से हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोलेंगे तो क्या है इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे या नॉर्मल भी लॉ पढ़ा था कि ये जो भी है इंसिडेंट रे रिफ्रेक्टेड रे और नॉर्मल ये तीनों सेम प्लेन पे होंगे और वही लॉ यहाँ पर मेनटेन किया गया है ठीक रेशियो ऑफ एंगल रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज़ अ कॉन्स्टेंट पेयर ऑफ टू मीडिया इसका क्या मतलब है इसका मतलब यहाँ पर आपको बताया है कि साइन आई इज इक्वल टू साइन आर जैसा कि हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन में कि ऑलवेज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर ठीक वही टर्मिनोलॉजी यहाँ पर यूज है बस यहाँ पर थोड़ा या क्या किया गया है कि टेक्निकल वर्ड साइन यूज कर लिया गया है बाकी ये पूरा वही है कॉन्स्टेंट ठीक तो दोनों लॉज क्लियर हो गए होंगे अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो हमने अभी पढ़ा है ये सेकेंड वाला लॉ कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसी को हम कहते हैं स्नेल्स लॉ क्या कहते हैं स्नेल्स लॉ बोलते हैं स्नेल्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्नेल्स लॉ बहुत ही ज्यादा बार आपके क्वेश्चन फॉर्मुलेट करके पूछे जा चुके हैं सी के द्वारा सो so ये स्नेल्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है अब यहाँ पर हम देखते हैं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एक नया टर्मिनोलॉजी आती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ठीक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वॉक्यूम टू तो स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम मतलब कि वैक्यूम से अगर हम इसको आर आई कर देते हैं तो ये क्या होगा कि वैक्यूम की लाइट जो है स्पीड उसका किसी और मीडियम से जो रेशियो होगा मतलब डिवीजन करने पर जो आंसर आएगा दैट रेशियो विल बी व्हाट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स सी है दैट इज की स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एज वेल एज दिस इज स्पीड ऑफ लाइट इन एनी काइंड ऑफ मीडियम अब वो वैक्यूम के अलावा कुछ भी हो सकता है एच टू हो सकता है सी एनी थिंग ठीक है कुछ भी मीडियम यहाँ पर हो सकता है आर आई को आप इस रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को हम क्या डोनेट करते हैं म्यू म्यू इज इक्वल टू सी वाई यू ठीक आप बहुत जगह इस यू को हम लोग वी भी लिखते हैं सो नेवर गेट कन्फ्यूज यू लिखा है या वी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हमेशा वही रहने वाला है जो मैंने आपको बेसिक फॉर्मूला है कभी बताया है ठीक यहाँ पर दो बेसिक जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेंशन किए गए हैं वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जिसका है फोर बाई थ्री दैट इज़ वन पॉइंट थ्री थ्री और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज़ वन पॉइंट जीरो वन पॉइंट फाइव जीरो ठीक तो ये दोनों आपको याद करने हैं क्योंकि ये आपके क्वेश्चन में जनरली पूछे जाते हैं इसलिए मैंने अपनी नोट्स में मैंशन कर दिया है अदरवाइज बहुत सारे ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम्स हो सकते हैं जो पूछे जा सकते हैं बट हायर क्लासेस में आपको लिस्ट मिलती है अलगोरिदम की जिसमें ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं राइट right? सो so, यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी यूज है टाइम टेकन बाय लाइट राइट यहाँ पर देखो ये टर्म पढ़ो टाइम टेकन बाय लाइट टू ट्रांसवर्ड द थिकनेस एक्स टाइम ऑफ टाइम इज म्यू एक्स बाय सी वेयर सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट ऑफ वैक्यूम मींस कि कितनी थिकनेस होनी चाहिए या फिर किसी भी थिकनेस को पास करने में कितना टाइम लगेगा राइट राइट्रे को वो फॉर्मूला हम यूज करते हैं किससे म्यू एक्स बाय सी क्या म्यू एक्स बाय सी वाले फॉर्मूले से हम यूज करते हैं और सी यहाँ पर हमारा वैक्यूम नहीं है वैक्यूम की जगह ये क्या हो गया है वेलोसिटी ऑफ लाइट हो गया है क्या हो गया है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम ठीक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगर हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मुला देखते हैं तो यहां पर ये दिया हुआ है आप एक बार इसको देख सकते हो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं इन रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम हम सेकेंड मीडियम को ले रहे हैं और फर्स्ट मीडियम के रेफ्रेंस रिफ, में बात कर रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज राइट म्यू टू इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज ठीक आई ये क्लियर हो गया होगा अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने स्किप कर दी है आई एम रियली सॉरी फॉर दैट यहाँ पर एक और लॉ आता है दैट इज कॉल्ड स्ट्रोक्स लॉ क्या कहते हैं इसको स्ट्रोक्स लॉ कहते हैं स्ट्रोक लॉ क्या कहता है कि वेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाई अ डेंसर मीडियम फेज डिफरेंस ऑफ पाई रेडियन और पाथ डिफरेंस इज पाई बाई टू और द टाइम डिफरेंस इज टी बाई टू प्रोड्यूस्ड तो इस लॉ को हम क्या कहते हैं कि स्ट्रोक लॉ यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है किससे डेंसर टू लोअर मीडियम में तो फेज डिफरेंस क्या होता है उसमें पाई बाई टू होता है और टाइम डिफरेंस होता है टी बाई टू तो अगर ये कंडीशन कहीं पे फुलफिल हो रही है तो वो वहाँ पर कौन सा लॉ मेंशन किया जाएगा स्ट्रोक लॉ मेंशन किया जाएगा राइट सो लेट्स गेट्स विद कंटिन्यू विद अनदर टॉपिक दैट इज क्रिटिकल एंगल अब ये क्रिटिकल एंगल क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इन डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम बिकम्स नाइंटी मतलब कि क्या है कि जैसे अभी हमने देखा कि ये लाइट रे यहाँ पर आके इंसिडेंट करती है और फिर वो क्या होती है कि ये नॉर्मल अगर हम ड्रॉ करते हैं तो वो थोड़ी सी अंदर की तरफ ऐसे झुक जाती है ठीक रुको मैं एक बार आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ सो गिव मी फ्यू सेकेंड ठीक कुछ ऐसा फिनोमेना होता है ये रिफ्रैक्ट वो है क्या कहते हैं इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रेक्टेड रे ठीक तो यहाँ पे क्या होता है कि जब इंसिडेंट रे डेंसर मीडियम से लेते हैं और रेअरर मीडियम पे हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ एंगल बनता है तो ये जब 90 डिग्री का एंगल बनने लगे ठीक है ये जब 90 डिग्री एंगल बनने लगे तो वहाँ पर क्या होता है वो क्रिटिकल एंगल होता है फिर से समझिए कि जब डेंसर मीडियम से ठीक डेंसर मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंट आपका बने और रेअरर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनता है तो ये एंगल जब 90 डिग्री हो जाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो वो क्या होता है क्रिटिकल एंगल तो डायमंड के लिए क्रिटिकल एंगल एंगल क्या होता है ट्वेंटी फोर डिग्री होता है क्रिटिकल एंगल ग्लास के लिए फोर्टी टू डिग्री होता है एंड फॉर वाटर इट इज़ फोर्टी फोर तो आपको याद रखना है ट्वेंटी फोर डिग्री ग्लास आपको याद रखना है फोर्टी टू डिग्री एंड एसटो याद रखना है दैट इज फोर्टी एट डिग्री ठीक ठीक और अगर हम डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करते हैं तो वन बाई साइन सी हो जाएगा सी इज वॉट वैक्यूम राइट सो यहां पर आप देख सकते हो कि एक और टर्मिनोलॉजी टोटल लेटरल रिफ्लेक्शन ओके टोटल रिफ्लेक्शन क्या होता है कि वेन आर लाइट रेज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टूवर्ड्स मीडियम इज इंसिडेंट एट इंटरफेस एट एन एंगल

तो जब भी वो ऐसे मूव करेगी और जहाँ पर वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट होगा जहाँ पर वो इंसिडेंट करेगी दूसरे मीडियम में एंटर करना शुरू करेगी अगर वहाँ पर ये इंसिडेंट एंगल बहुत ज़्यादा हो जाता है किससे क्रिटिकल एंगल से तो वो वापस क्या होती है डेंसर मीडियम में वापस आ जाती है रे ठीक तो इसी फिनमिना को क्या कहते हैं हम टी आई आर यानी कि क्या कहते हैं हम टोटल लेटरल रिफ्लेक्शन सो आई विश कि आप लोगों को ये सारे टॉपिक्स आज क्लियर हो गए होंगे अगर नहीं हुए हैं कुछ टॉपिक्स आपको कन्फ्यूजन है कहीं भी तो आप हमसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हम लोग आपके सारी प्रॉब्लम्स आपके सारे इश्यूज पर्सनली सॉल्व करते हैं सो वी विल ट्राई टू सॉल्व डाउन दीज इश्यूज ऑल्सो राइट एंड डोंट फॉरगेट टू डू लाइक शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल्स बाई हिटिंग द बेल आइकन टू नॉट मिस एनी काइंड ऑफ Notification, okay?